जय श्री कृष्णा। शुभ प्रभात सभी हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और आप लोग जहाँ भी रहें, अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये माता रानी से दुआ करती हूँ। यहाँ हो गई है हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह, और यहाँ हमने खाना वगैरह तो हमारा बन गया था, बना दिया था खाना। क्या आज सुबह पराठा बनाए थे नमक, उसके बाद में बनाई खिचड़ी पी ली, और फिर यहाँ करने आ गए हम लिपाई, क्योंकि होली है और काम इतने हैं कि घर का जी तो रोज़ का ही काम होता है, खाना बनाना खिलाना, ये तो रोज़ के डेली के ही काम है, और ये काम कुछ अलग से होते हैं हो जाते हैं त्योहारों पर, तो ऐसा लगता है बस जितना काम कर लो उतना ही सही है। और आज दो दिन हो गए, कल भी लिपाई की, आज भी बहुत थकान हो गई इतनी, कल तो पूरे दिन पड़े रहे लिपाई करने के बाद, फिर कुछ उठने की मन नहीं कर रहा था, लेकिन उठना तो था क्योंकि काम भी करना था तो उठना ज़रूरी है। तो आज हमने बरामदे की लिपाई कर दी है, उसके बाद हम आ गए आंगन में लिपाई करने के लिए। आंगन में लिए आंगन जब तक अंदर से लिपाई करके बाहर निकले तब तो इतनी धूप हो गई थी आज बहुत ज़्यादा, लेकिन धूप तो थी लेकिन फिर हवा भी चल रही थी साथ साथ, हवा तो आज बहुत ही तेज़ थी जिससे कि आसपास की तरफ छतें हैं तो वो सारा कूड़ा नीचे आ रहा था, इतनी हवा चल रही थी, तो इसकी हवा की वजह से ज़्यादा धूप नहीं मालूम पड़ रही थी, लेकिन धूप कल बहुत तेज़ थी, कल की धूप की वजह से तबीयत खराब हुई। आज धूप तेज़ है लेकिन हवा चल रही है, हवा की वजह से ज़्यादा धूप नहीं मालूम पड़ रही, इसलिए लिपाई आसानी से हो रही है, लेकिन थकान तो हो जाती है। और इतना बड़ा घर है तो इसमें कई दिन लग जाते हैं हमें लीपने में, घर है काफ़ी बड़ा। थोड़ी सी बची हुई है, इसकी भी हम कर देंगे लिपाई, उसके बाद में करेंगे और बहुत से काम पड़े हुए हैं अभी बाकी, लेकिन लिपाई अभी हमारे घर में काफ़ी बाकी है, सारी लिपाई नहीं हुई है। आप सभी लोग बने रहें हमारे वीडियो में, देखते रहें कितनी लिपाई होती है हमारे घर में, बहुत लिपाई होती है, थक जाते हैं लिपते लिपते, जब होली है दिवाली जब आती है तो बहुत लिपाई करनी पड़ती है। वैसे तो हम लिपाई करते रहते हैं, लेकिन वैसे तो ऐसे करते हैं जैसे आज इधर कर ली तो कल उधर, मतलब कुछ दिन बाद उधर कर लीप लिया, ऐसे लीपते हैं, एक साथ नहीं लिपता है, कुछ दिन एक महीने बाद इधर कर लिपाई कर दी थी, 15 दिन बाद उधर लिपाई कर ली, ऐसे करते हैं तो हो जाती है आराम से आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब त्यौहार कोई भी आता है तो बहुत लिपाई होती है। हाँ, लिपाई करने के बाद हमने बर्तन धुले थे, तो
बर्तन धुलने के बाद नहाए, नहाने के बाद और बहुत से काम थे, भैंसों के चारा भी सानी भी दी, क्योंकि घर पर कोई था नहीं। आज सभी लोग आलू की खुदाई चल रही है, सभी लोग खेत पर हैं तो घर पर कोई था नहीं, तो सानी भी देनी पड़ी भैंसों के लिए। ऐसे चारा आ गया था, हरा चारा सुबह ही ला के डाल गए थे, जई होती है वो भी काट दी मशीन से, कटाई की। और यहाँ फिर उसके बाद में हमने कहा चलो अब खाना भी बना देते हैं, क्योंकि थके थकाए फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी, चलो अभी बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ बज गए थे हमारे 5, 5 बजने के बाद हमने आलू छील काट के तैयार किए, फिर उसके बाद में पिलाया भैंसों को पानी, पानी पिलाने के बाद ही हम सभी छौंकने आ गए थे यहाँ पर, चलो क्योंकि बेटी की भी तबीयत से ठीक नहीं है, नहीं तो वो थोड़ा बहुत काम कर लेती, उनको भी सर्दी हो रही है, गले में खराशें हो रही हैं, दिक्कत है, इसलिए गले की खराशें हैं तो सर्दी जरूर होती है तो बुखार भी आ जाता है, तो इसीलिए वो लेट गई थी दवाई खा के, तभी तो ठीक नहीं, चलने की इच्छा नहीं हो रही थी उठने की। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जरा सी देर आटा भी लगा लेंगे रोटियों के लिए, जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी आएंगे खेत से तो खाना खाएंगे, भूख लगेगी उनके लिए भी सभी के लिए, तो जल्दी जल्दी हम खाना बना दे रहे हैं। सभी लोग प्लीज़ आप जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी लोग प्लीज़ बताएँ कमेंट करके हमारे लिए हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।